वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर तवांग पहुंचे। तवांग में रक्षा मंत्री ने दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने तवांग के युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के बमला बॉर्डर से सीमा के उस पार मौजूद चीन की चौकियों का भी विश्लेषण किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को सीमा पर मौजूद हालात की भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में 1962 युद्ध के नायक शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह के स्मारक पर भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है, उनकी भी इच्छा होती है। और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है। इसके प्रति लोगों के मन में एक बेहद सम्मान है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे भारत के सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही एक जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ, और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। विगत 8-9-10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्ट्रेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्ट्रेचर, यह कद न बन पाया।